हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए आपको दिखाते हैं। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 100 ग्राम मटर है और 2 प्याज है। मैंने धो करके इसको काट कर दिया है और 5-6 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्च है, मैंने इसको धो के काट लिया है और 2 टमाटर है, इसको मैंने बड़े बड़े पीस में काट लिया है। इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये अदरक है, इसको छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है, इसका पेस्ट बनाएंगे। और कुछ मसाले हमें चाहिए, तो ये गरम मसाला है 2-1.5 चम्मच, धनिया पाउडर है और ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, और ये जीरा है, 5-6 मरीच है और एक इलायची है, एक लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा छोटे छोटे और एक तेजपत्ता है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, ये हल्दी पाउडर और ये थोड़ा गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता, इसको मैंने धो के काट लिया है, और सरसों का तेल है बनाने के लिए। एक मिक्सर का जाने लेंगे हम, और इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और ये टमाटर का, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम चलते हैं गैस के पास। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। हमें मटर पनीर बनाना है तो थोड़ा सा सब्जी बनाने के से थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम एक तेज पत्ता और ये जीरा पाउडर, ये सब हरे हरे मसाले हम इसमें डालेंगे। लाल हो गया है हमारा, इसमें जो हम ये प्याज का पेस्ट बनाए थे इसको डाल देंगे। हमें इसको 5 मिनट तक भूनना है धीमी आंच पे। आप लोग देख सकते हैं हमारा प्याज का जो पेस्ट है बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें जो टमाटर का पेस्ट बना के रखे थे अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इस टमाटर को भी 5 मिनट तक भून लेंगे धीमी आंच पर, तभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी हमें मसाला नहीं ऐड करना है क्योंकि हमारा टमाटर भी कच्चापन है। तो हमारा ये टमाटर का जो रोस है ये भी भून चुका है, और हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ये हल्दी पाउडर और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हम तब तक से भूजेंगे जब तक से सारे मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। इसको हम धीमे आंच पर चलाते हुए भूजेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी हमें 2 मिनट और भूनना है इसको। पहले से काफ़ी अच्छा से इसका कलर चेंज हो गया है और साइड से तेल आना भी हो गया है, और हम इसको 2 मिनट और भूनेंगे। देखिए मेरा मसाला भून चुका है, पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है। और हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये मटर जो हमने रखा था मटर, इसको डालेंगे। इसको भी 2 मिनट तक हम भून लेंगे। मटर डालने के बाद हम लोग इसको चला के 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है और इसको इसमें चेक कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है ढक्कन हटा कर, हम इसको देख सकते हैं आप लोग ऐसे से इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको चला लेंगे हम, और इसमें हम अभी नमक नहीं ऐड किए हैं, हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसे
इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आपने स्वाद अनुसार। और मटर जो है अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें ये पनीर है इसको ऐड करेंगे और इसको चला लेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसको चला लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे, उसके बाद फिर पानी डालेंगे। दो मिनट हो चुका है और हम इसको हल चेक कर लेते हैं। हमारा पनीर जो ओके है, अभी इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। आप अपने अपने ग्रेवी के अनुसार ज्यादा कम या ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। हमें ज्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है। और इसमें हम एक गरम मसाला डालेंगे। हमने इसमें गरम पानी ऐड किया है, इसलिए हमें ज्यादा इसको नहीं पकाना है, बस 5 मिनट पकाना है। इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गया है, इसको देखते हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा ये कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर टेस्ट आता है, हमारे पनीर का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता है, इसको भी डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा मटर पनीर बना है। आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर बना के चेक कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल करने के लिए। देखिए मेरा इतना अच्छा पनीर बन के रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हरा पत्ता धनिया डाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा मेरा मटर पनीर बहुत कम समय में बना है। आप लोग इसको एक बार जरूर इस तरीके से बना के ट्राई कीजिए और कैसा बना है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।